हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? मैं भी यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, आपका प्यार मुझको मिलता रहे। दोस्तों, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है मेरे प्रिय साथियों। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इसलिए इसको बहुत जिंदा दिली से जिए। श्री कृष्ण जी के अनमोल वचन क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन कभी अपने परिवार से अलग होने के बारे में मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं ठहरने वाली हैं। आत्मा हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति है। अगर कोई चीज सारस्वत है तो वह है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून और हमारे मन की शांति। बोलना सीखिए वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि इंसान समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं है और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। तो प्रिय साथियों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनों का साथ आवश्यक है। सुख है तो अपनों में बढ़ जाता है, सम्मान और प्यार मिलता है और अधिक बढ़ता है, और अगर दुख है तो वो अपनों में बट जाता है, कम हो जाता है, उस दुख से निकलने बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अपने सब परिवार के साथ उस दुख का हमें एहसास नहीं होता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या कमाते हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, हैप्पी रहता है, यकीन करो जिंदगी उसी के आगे अपना सर झुकाती है। समझना है जिंदगी को तो पीछे की ओर देखो, जीना है जिंदगी को तो आगे की ओर देखो, और विचारों को पढ़कर बदलाव कभी नहीं आता, विचारों पर चलकर बदलाव आता है।
विचारों पर अमल करने से बदलाव आता है। शीशा और रिश्ता दो नाजुक होते हैं, इनमें अंतर सिर्फ यही है, शीशा गलतफहमी से टूट जाता है और रिश्ता शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से टूट जाता है। गलत फहमी का मतलब आप जानते हैं ना, गलत फहमी का मतलब ये है, श्री कृष्ण कहते हैं शब्दों को बस में रखिए, वो हमारे कर्म बनेंगे। रिश्ता गलत फहमी से कब टूटता है इस बात को आप गंभीरता से सोचिएगा और समझिएगा। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। जी हाँ, पूरे खानदान को तबाह कर देती है, एक दूसरे को लड़वा देती है। जब घर का फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लो हमारी खानदान अब बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, अपनों की पहचान कैसे होती है? अगर कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते तो फिर उन्हें वक्त जवाब देता है। अगर आपको कोई सच्चा प्यार करता है, अगर आपको कोई सच्चा सम्मान करता है तो आपको समय जरूर देगा, हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरों की खुशी चाहेगा। आंखों में आंसू नहीं, कोई शुभ काम करने से पहले आपसे उसके बारे में चर्चा करेगा कि यह कार्य मैं करूं या नहीं करूं। उसे हमारे दुख दर्द का एहसास होगा। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता है उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अंधे बहरे गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी जमीन पर गिरने नहीं देता तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं चलता और ईमानदारी से अपना काम करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है
भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। जी हाँ, किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। तो मेरे प्रिय साथियों, रिश्ते कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। माता पिता को हमेशा आदर देना चाहिए, क्योंकि माता पिता ईश्वर के तुल्य होते हैं। तो यकीन करो मेरे दोस्तों, अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो भगवान आपको हर कठिनाई से बचाएगा और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको इतना देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाओगी। आज की वीडियो यहीं तक, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।